गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे यूनिक लोगों के बारे में, और उन लोगों का नाम है मुर्सी। वो लोग मुर्सी जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो कि इथियोपिया की साउथ पार्ट में ओमो वैली एरिया में रहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इनके यूनिक कस्टम्स के बारे में बताते जाऊंगा। और जो सबसे फेमस इनका रीति रिवाज है वो ये है कि महिला अपने नीचे वाले होंठ को काट कर उसमें मिट्टी या लकड़ी की प्लेट पहनती है। कट होता है इनके यहाँ पे, उसमें प्लेट पहनते हैं। ये बोल रहे हैं कि 11-12 साल की उम्र में कट लगाते हैं। देख सकते हैं कितनी बड़ी प्लेट है यार। कभी कभी तो ये प्लेट इतनी बड़ी होती है कि एक इंसान के सर के इक्वल होती है। सो इट इज कंपल्सरी टू कट देयर लिप एंड वेयर दिस प्लेट। या व्हाई? दे नो व्हाई, बिकॉज़ ही डिडंट डू दैट बिकॉज़ शी नॉट ब्यूटीफुल। यू डोंट लाइक एनी ब्यूटीफुल। या डोंट वर्क एनीथिंग। नो व्हाई? इस जनजाति के मैन है वो कुछ भी काम नहीं करते। उनका मानना है कि उन्होंने शादी करते वक्त महिला के घरवालों को 30-35 गाय दी थी, उसके बदले महिला है जो पूरी जिंदगी भर उनके लिए काम करेगी। और एक खास बात यह है इस जनजाति के पुरुषों की कि वो हमेशा घर के बाहर सोते हैं, या तो झाड़ियों में सोएंगे या पेड़ों के नीचे सोएंगे, वो कभी भी घर के अंदर नहीं सोते हैं। और इन लोगों के यूनिक खान पान की बात करें तो इन लोगों का ब्रेकफास्ट होता है गाय का ब्लड और गाय का मिल्क। ये अर्ली इन द मॉर्निंग गाय की गर्दन में से ब्लड निकालते हैं, उसका दूध निकालते हैं और दोनों को मिक्स करके पीते हैं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितना यूनिक है हम लोगों के लिए। अब आप लोग इनके घर देख रहे होंगे। इनके घर का दरवाजा इतना छोटा इसलिए क्योंकि रात में है जो यहाँ पे जंगली जानवर इनके घरों के अंदर एंटर कर जाते हैं। दरवाजा है जो इतना छोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक जंगली जानवर के लिए एंटर करना इस दरवाजे से काफी मुश्किल होता है। और इस ट्राइब की महिलाएं जो अपने को सजाने संवारने के लिए जो आपको बॉडी पर ही निशान दिख रहे हैं, इस टाइप के निशान गर्म लोहे से बना लेती है। इस जनजाति में शादी की उम्र की बात करें तो 10 से 12 साल की उम्र में इस जनजाति में सभी लड़कियों और लड़कों की शादी कर दी जाती है। वैसे तो इन लोगों को दुनिया के सबसे डेंजरस लोगों में से माना जाता है क्योंकि इनमें से हर किसी के पास AK-47 गन्स मिलेगी। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि ये मुझे बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगी, काफी हम्बल थी। ओके, बाय 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 ऑल ऑफ यू। सो गाइस, ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो भी मैं मेरी ट्रेवलिंग के दौरान कुछ अलग अनुभव करने वाला हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा।